नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल गगनयान ज्ञान में। दोस्तों, इस रूप बेंगलुरु का फॉर्म आपको ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, इस वीडियो में मैं सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, ITI से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। और मैं बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन कर सकते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें, मैं सारा जानकारी देने वाला हूं। तो आप मेरे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहिए, मैं सारी अच्छे तरीके से बताने वाला हूं ताकि आप कोई गलती ना करें। दोस्तों, मैं एग्जांपल के तौर पे फीटर का आपको बता रहा हूँ। मैं फीटर के लिए तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको सिंपली जो है इस फीटर के लिंक पर यहाँ आपको जो है क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, फीटर के लिए मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, इसे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट आ जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार फॉर्मेट आने के बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ फुल नाम में अपना पूरा नाम भर देना है। नाम भरने के बाद दोस्तों आप ईमेल एड्रेस दे देंगे, उसके बाद फिर उसी ईमेल को जो है री इंटर कर देंगे। बगल में आप देख रहे हैं री इंटर का है, तो आप यहाँ री इंटर कर देंगे। री इंटर ईमेल करने के बाद दोस्तों आपको जो है आपको अपना जेंडर चूज कर लेना, आप मेल फीमेल जो भी हो आप कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, OBC SC ST या रिजर्व जो भी हैं आप आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो है फिर अगर आप PW कैंडिडेट रहते हो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना है। एक्स सर्विस मैन है तो यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर दोस्तों अगर आपने कहीं गवर्नमेंट जॉब किया है स्टेट या फिर कहीं से, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आप सर्विस में नहीं है तो आपको बिल्कुल नो कर देना है। नो करने के बाद दोस्तों फिर यहाँ जो है आप नीचे फादर्स नेम में आके अपने फादर्स का नाम दे देंगे। और फादर्स का नाम देने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि एड्रेस देना है, तो यहाँ आप अपना फुल एड्रेस भर देंगे। आप अपना जो भी है पूरा एड्रेस आप यहाँ डाल देंगे, पूरा स्टेट आपको डाल देना है, पिन कोड डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों ये सब करने के बाद जो है आपको फिर अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, उसके बाद फिर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल देना, कोई दूसरा मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपका जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है आप वहाँ दे देंगे यहाँ। इसके बाद दोस्तों आप क्वालिफिकेशन डिटेल में आप जो है ITI में अपना ITI से ITI का जो है पूरा ब्यौरा यहाँ दे देंगे, आपने मंथ ईयर कब ITI पास किया है और कितने मार्क्स आए हैं, और टोटल में से कितने आउट ऑफ मार्क्स में से जो है आपको कितने मार्क्स आए हैं आप वहाँ दे देंगे। तो इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आप जो है फिर क्लास यानी जब जिस डिवीज़न में पास हुए हैं तो आपको फर्स्ट सेकंड वो दे देना, और उसके बाद आपने कितने साल की ITI किया है तो वो आपको दे देना जितने साल किया। उसके बाद आप ट्रेड डिटेल्स में जो है दोस्तों ट्रेड डिटेल्स में आपको जो है अपना ट्रेड का डिटेल्स डाल देना है, यानी आप फिटर से किए हैं तो आप फिटर डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों जो NSC का यहाँ है नेशनल डिटेल्स का, NSC का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का, तो आपको यहाँ अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली मतलब रहने दें, कोई ज़रूरी नहीं। उसके बाद फिर आपको जो है फ़ोटो के लिए चूज फाइल पर क्लिक कर देना है जो 50 KB के अंदर होना चाहिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, हाँ या फुल नेम दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं अब फुल नेम भर चुका हूँ। और फुल नेम भरने के बाद जो है दोस्तों आप यहाँ मेल दे देंगे, सिंपली आपका जो भी मेल है, और दोस्तों वही मेल दीजिएगा जो रेगुलर है, आपका इसमें नोटिफिकेशन आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह आप में सब जो है इसी से पता चलेगा आपको। उसके बाद आप जेंडर मेल फीमेल जो है वो तो दे ही देना है। उसके बाद कैटेगरी ये सब में सारे में आपको नो कर देना है। ये सब जितने भी दोस्तों एक्स सर्विस मैन वगैरह PWD ये सब में मतलब आपको नो करना, अगर आप हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको फादर्स नेम में जो है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको फादर्स नेम में अपने फादर का नाम देना, जैसे मैंने एड्रेस भर रखा है स्टेट वगैरह। मैं दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आप मोबाइल नंबर भी यहाँ दे दीजिए जो भी है, मैं एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। फिर क्वालिफिकेशन जो है आप अपना दे देंगे जैसे मैंने बताया था, आपको यहाँ पूरा ब्यौरा अपना दे देना है। उसके बाद फिर ट्रेड दे देना, और आप ट्रेड डिटेल्स में फीटर दे देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ एक फ़ोटो का जो है चुनाव कर लीजिए, आपको ये सब करने के बाद। तो दोस्तों फ़ोटो जो है 50 KB के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 50 KB के अंदर ही होना चाहिए, नहीं तो आप सबमिट नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और यहाँ एक जो है सिलेक्ट बोर्ड में आपको दे देना है, जैसे आपने जिस स्टेट से क्या ITI तो वहाँ दे देना है, जैसे मैं बिहार दे रहा हूँ।
और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये सब सबमिट करने के बाद, फ़ोटो क्लिक करने के बाद मैं इस स्टेप पे आ गया हूँ। दूसरे स्टेप पे आपको यहाँ जो है दोस्तों मंथ ईयर पासिंग आपको दे देना है, जिससे आपने मेट्रिक का डिटेल देना है। तो ये मैंने इसको जो है दे दिया ये सब। और दोस्तों मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ तो आपको उतना माइंड नहीं करना। आप जो है मैं एग्जांपल के लिए समझाने के लिए ये दे रहा हूँ, तो मैं BSB पटना दे रहा हूँ आपको, जो भी है मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, तो आप इसको सही ना माने, ये बस एग्जांपल ही है। तो ये सब आपको यहाँ, हाँ तो ये सब देने के बाद दोस्तों अगर आपका फॉर्म नीचे आप जो है आप देख सकते हैं ये मैंने डाल दिया है। और उसके बाद डालने के बाद दोस्तों अगर आपने कोई गलती करी है तो आप नीचे फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी, अगर आपने गलती करी है तो आप देख सकते हैं यहाँ से फिर आप अपना फॉर्म एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से एक शॉट में आप फॉर्म देख सकते हैं पूरा, उसका ओवरव्यू देख सकते हैं ये है। तो आप इस प्रकार से कर लेंगे, और करने के बाद जो है दोस्तों आप, हाँ अब अगर आपने कोई गलती करी है तो मैं बता चुका हूँ, तो आप यहाँ इस पर आप कर सकते हैं, इस पर अपना एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं देखिए इसको इसमें सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आप मेरे पूरे फॉर्म का ओवरव्यू ये है। और इसके बाद जो है दोस्तों अब आपको जो है फिर इस यहाँ से जो है नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, सबमिट पे। और अगर कुछ अब भी आपको लग रहा है, अब भी मौका है कि अगर लग रहा है कि कुछ गलती मिस्टेक हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक करके जो है अपना कुछ डिटेल चेंज कर सकते हैं जहाँ लगता है, और नहीं तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद दोस्तों, हाँ यहाँ जिस क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखते हैं आपका पूरा फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो आपको अब यहाँ सबमिट हो चुका है आपका दोस्तों, और उसके बाद जो है आपका ये एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको इसको संभाल के रखना है, भविष्य में आपको जो है यही काम आने वाले हैं। तो उसके बाद अब जो दोस्तों पेमेंट मोड है, अगर आप SC ST हैं, अगर आपके आपके आपसे पेमेंट नहीं मांगा गया है तो आप पेमेंट पे नहीं करेंगे, आप जाके वो कर लेंगे डायरेक्ट डाउनलोड। और जैसे मैं दोस्तों OBC के लिए भरा हूँ, तो जैसे मुझे पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट के लिए कुछ आगे स्टेप करके बताऊँ, मैं पेमेंट नहीं करूँगा दोस्तों, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो आप मेक पेमेंट पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से फॉर्मेट खुल जाएगा, आप देख सकते हैं SBI नेट बैंकिंग जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे मैं SBI के डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप जिससे करना चाहते हैं, मैं डेबिट कार्ड से आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मैं यहाँ जो है इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, हो सकता है मुझसे परमिशन मांगा जा रहा है, क्या मैं कन्फर्म अपना पे करना चाह रहा हूँ। तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं फिर एक बार आपसे कन्फर्मेशन मांगा जाएगा, जो 250 रुपये OBC को जो लगता है आप वो आपको पे करने होंगे। तो आप कन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ कार्ड नंबर जो है, फिर एक्सपायरी डेट और कार्ड का होल्डर्स नेम और CVV कार्ड मांगा जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट जो है दोस्तों सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद जो है दोस्तों, हाँ फिर आपको कैप्चा भी डाल देना है यहाँ, खाता होल्डर नाम दिल के और CVV देने के बाद आपको यहाँ कैप्चा और पे क्लिक कर देना है। पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ आ जाना है पेमेंट स्टेटस पे, आप जहाँ से पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। और आप अगर प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं दोस्तों अपने एप्लीकेशन का, तो जो आप यहाँ जैसे Technician B क्लिक किया तो आपको Technician B पे यहाँ जो है सिंपली क्लिक कर देना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ क्या करना है, जैसे पोस्ट नाम आपको टेक्नीशियन फिटर के लिए मैं भरा था, तो टेक्नीशियन फिटर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ और दे देना है, और फिर जो कैप्चा है कैप्चा दे देना है। कैप्चा देने के बाद जो है दोस्तों आप इस पर प्रिंट एप्लीकेशन पर आ करके आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको अपना फॉर्म भर देना है। आपको अगर ये जानकारी अगर हेल्पफुल लगी हो या लगा हो कि नहीं, आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और दोस्तों ITI से रिलेटेड मैं इस चैनल पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब है सारे मैं अपडेट लाता ही रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
ताकि दोस्तों आप जो है कोई बहाली से चूक ना जाएं अगर आपने ITI किया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।